6 और 3 निर्दलीय, क्या वो आपके साथ है, बीजेपी के साथ है या अभी भी वो कांग्रेस के साथ ही है? आज देखिए, आप इस बात को लेकर के मैं वो भी यही कहूंगा कि उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, वो हमारे साथ है और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और आज एक आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज कटमोशन लगे थे पीडब्ल्यूडी पर, और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने त्याग पत्र दिया कि इस सरकार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है, मेरे पिता को जलील किया, मेरे पिता की भावनाओं को जलील किया, और इसलिए आज जो किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है, और इस सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और मुझे जानकारी मिली है, मुझे मालूम है कितना सत्य है, हाउस के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। और उस सूरत में बजट पास करने की अगर बात आएगी तो ये तो एक ऐसा अनोखा उदाहरण पूरे देश भर में होगा कि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है और बजट जो है वो यहाँ सदन के अंदर पारित किया जाए। बीजेपी विधायक शायद उनकी हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे, और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं, जिसमें जो जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं ये कहना चाहता हूं सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे, और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्य।